एक समय की बात है, एक राजा प्रियव्रत थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियव्रत बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर श्मशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियव्रत से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तू मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञानुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय छठी मैया।